हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें क्विक टच टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा है तो ये आईपीओ आया और क्लोज़ भी हो गया। जब ये आईपीओ आया था उस टाइम मैंने कहा था कि वीडियो के माध्यम से कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करो, ये अच्छा पैसा बना के देगा। देखा है तो आज इसका फाइनल डे सब्सक्रिप्शन भी क्लोज़ हो गया। अब इसके बाद जो मेन डेट आती है अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट के उसमें कितना चांसेस है, इसके अंदर अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्यू आई बी और साथ साथ में जो एच एन आई से कोटा रखा गया था और हम जैसे आप जैसे जो रिटेल का कोटा रखा गया था उसके अंदर कितना कितना पोर्शन भरा है। ये सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बढ़ाई दबाओ ताकि नई नई वीडियोज़ रही नॉलेज में आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। चलो देखते हैं क्विक टच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ का फाइनल डे सब्सक्रिप्शन क्या आया है वो भी देख लें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें क्विक टच टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। देखा है तो ये आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया। लाइव स्टेटस क्या है इसका और कितना सब्सक्रिप्शन आया है वो देखेंगे। बात करेंगे इसके सब्सक्रिप्शन की, तो जो एच एन आईज यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के बारे में देखा है तो करीब करीब जो सब्सक्रिप्शन आया है 160 times आया, 160 times इसके अंदर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन आया। स्टार्ट से मैं कह रहा था इसके अंदर पार्टिसिपेट करो जो अच्छा पैसा बना के देगा। और साथ साथ में बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की। हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। करीब करीब इसके अंदर देखा था 49.55 times यानी करीब करीब देखा था 50 times 50 times ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। यानी कैसे रिटेल में से कि 50 accounts जिसके पास रहेगा उसमें से किसी एक को ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा। देखा है दोनों को 50-50% कोटा रखा गया। तो जो टोटल सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो जो टोटल सब्सक्रिप्शन आया है 107 times ओवर सब्सक्रिप्शन इसके अंदर सबसे देखने को मिला। नहीं ये कह सकते हैं 160 times ओवर सब्सक्राइब हो चुका है ये आईपीओ। आज इसका आखिरी दिन था, ये क्लोज हो गया। और बात करते हैं डे बाय डे की, तो फर्स्ट डे देखा जाए तो इसके अंदर करीब करीब ये 1 time सब्सक्रिप्शन हो चुका था। सेकंड डे देखा जाए तो 19 तारीख को करीब करीब 3 times सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। और 3 तारीख को देखा जाए तो 20 अप्रैल को करीब करीब 10 times इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आया था। लास्ट दिन इसका आखिरी दिन था, नहीं आज के दिन 21 अप्रैल को करीब करीब देखा जाए तो 107 times ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। और सबसे ज़्यादा एच एन आई इसके अंदर 160 times ओवर सब्सक्राइब हुआ ये आईपीओ। चलो देखते हैं आईपीओ को और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँ जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा दो ताकि नई नई वीडियोस नई नॉलेज में आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आते रहो। जो देख लेते हैं आईपीओ क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, क्विक टच टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। देखा है तो ये आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया। नेक्स्ट डेट क्या है वो भी देख लेते हैं। टाइम टेबल में देखा है तो 18 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 21 तारीख यानी आज ये आईपीओ क्लोज हो गया। उसके बाद हमको बेसिक अलॉटमेंट देखने को मिलेगा इसका 26 तारीख को। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और साथ साथ में बात करते हैं रिफंड की, तो हमको 27 तारीख को ये रिफंड भी देखने को मिलेगा। और 28 तारीख को जिनको ये आईपीओ लगेगा 28 तारीख को उनके डीमैट अकाउंट में ये आ भी जाएगा। और बात करते हैं लिस्टिंग की, तो ये हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। 2 तारीख को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाएगा। लिस्टिंग के दिन क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए कि हमको भी इसके अंदर लिस्टिंग गेन मिले हुई वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। बात करते हैं आईपीओ के लॉट साइज़ के बारे में। जैसे मैंने बताया रिटेल के लिए मिनिमम और मैक्सिमम 1 lot रखा गया था जिसके अंदर 2000 शेयर्स थे और करीब करीब अमाउंट पे करना था 1,22,000 अमाउंट पे करना करना था। और साथ साथ में अगर 1 lot से ज़्यादा ले रहे यानी 2 lot ले रहे हैं तो एच एन आई से कैटेगरीज में आ जाएंगे जिसके अंदर 4,000 शेयर्स मिलेंगे और अमाउंट पे करना था करीब करीब 2,44,000 अमाउंट पे करना था। इसी साथ में बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो इसके अंदर जो प्रमोटर होल्डिंग थी 89% इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल थी। लेकिन अब ये स्टॉक मार्केट पे लिस्ट भी हो जाएगा, इसका अलॉटमेंट आएगा, उसके बाद ये लिस्ट हो जाएगा 2 तारीख को। उसके बाद इसके अंदर जो होल्डिंग बचेगी प्रमोटर्स की करीब करीब 65% इसके अंदर होल्डिंग बच जाएगी। चलो देख लेते हैं आज के डेट में ये आईपीओ के अंदर क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँ जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब करें। क्विक टच टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में देखा है तो ये आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया। फिलहाल देखा जाए आज के डेट में लास्ट दिन था सब्सक्रिप्शन का, आज के डेट में क्या इसके अंदर ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देखेंगे। आज 21 अप्रैल 2023 और आज के दिन में देखा जाए तो इसके अंदर 8% तक की तेज़ी चढ़ चुकी है। यानी आहिस्ता आहिस्ता देखा जाए तो 4 से 5% थी, उसके बाद डायरेक्ट 6% हो गई और आज करीब करीब इसके अंदर हमको 8% तेज़ी देखने को मिली। यानी ये कह सकते हैं ये आईपीओ आज के भी डेट में करीब करीब 5 से 10% तक की हमको इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली। फिलहाल देखते हैं आज ये आईपीओ आया क्लोज भी हो गया। अब इसका अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना ताकि नई नई वीडियोज़ नई नॉलेज आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।